हेलो बच्चों लेट्स सीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ इस क्वेश्चन को बताना है कि राइबोसोम कितने डिफरेंट जो है प्रोटीन को कंसिस्ट करता है पहला है ट्वेंटी दूसरा है एट्टी थर्ड है सिक्सटी एंड लास्ट है फोर्टी तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की, की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम जानेंगे कि राइबोसोम क्या होता है राइबो राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम जो होता है एक ऑर्गेनल होता है क्या होता है ये एक ऑर्गेनल होता है जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन होती है साथ ही साथ ये क्या होती है कॉम्प्लेक्स जो है मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मशीन होती है जो पाई जाती है सारे लिविंग सेल्स में उसके बाद ये जो राइबोसोम होता है कंपोज्ड होता है ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स तो पहला जो इसमें हो जाता है वो होता है राइबोजोमल राइबोजोमल आरएनए राइबोजोमल आरएनए की बात करें तो ये जो है क्या फॉर्म करता है स्ट्रक्चरल ये जो है क्या करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड यहाँ पे साथ में फंक्शनल फंक्शनल रोल जो है ऑफ द राइबोसोम होता है राइबोसोमल आरएनए एन यहाँ पे क्या होता है दिस फॉर्म दी ये क्या फॉर्म करता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कोर ऑफ राइबोसोम तो यहाँ पे फंक्शनल कोर कोर जो है ये बनाता है किसका राइबोसोम का अब दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा होता है राइबोसोमल प्रोटीन दूसरा जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा राइबोसोमल प्रोटीन राइबोसोमल प्रोटीन यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो स्टेबलाइज करता है ये क्या करेगा स्टेबलाइज है स्टेबलाइज दी राइबोसोमल आरएनए ये किसे स्टेबलाइज करेगा राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चर को और यहाँ पे ये फैसिलेट करता है फैसिलिटेट करता है क्या राइबोसोम्स के फंक्शन को फंक्शन को अब अगर हम बात करें जो यू कैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो है राइबोसोम्स होता है यू में बात करें या यू कैरियोटिक सेल की बात करें तो जो राइबोसोम होता है वो कंपोज्ड होता है अप्रोक्सीमेटली 80 डिफरेंट प्रोटीन से और ये जो है ऑर्गेनाइज्ड होता है टू सब यूनिट में टू जो है सब यूनिट में एक होगा यहाँ पे लार्ज एक होगा क्या लार्ज और दूसरा जो होता है स्मॉल वही प्रो कैरियोटिक की बात करें प्रो कैरियोटिक की बात करें जो प्रो कैरियोटिक सेल में होती है जो राइबोसोम होता है स्लाइटली स्मॉलर होता है बट ये कंसिस्ट होता है अराउंड 50 डिफरेंट प्रोटीन से तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे जनरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ यू राइबोसोम क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें तो पहला दे रखा है ट्वेंटी जो गलत होगा दूसरा है 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 जो सेल में होता है। तीसरा दे दे रखा रखा ये भी गलत होगा लास्ट तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं एट्टी जो है इस क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि यहाँ हमें कुछ भी नहीं दे रखा है प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक लेकिन हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है एटी जो किसमें होता है इन यूकैरियोटिक सेल So the right answer of this question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.